कभी गूगल वर्ल्ड का बेस्ट टॉयलेट पेपर पाकिस्तान को कहता है, तो कभी दुनिया का सबसे बेवकूफ पीएम भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, तो कभी वर्ल्ड के बेस्ट लीडर में श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाता है। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या गूगल की इन लोगों से कोई पर्सनल दुश्मनी या दोस्ती है? और अगर ऐसा नहीं तो ऐसे रिजल्ट्स दिखा क्यों रहा है भाई? पर अगर मैं आपसे आज ये कहूँ कि गूगल पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या फिर गूगल जो भी रिजल्ट दिखाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है, तो आप में से कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो भाई भगवान के बाद गूगल ही है। देख भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल बता रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि गूगल पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या जो भी सर्च रिजल्ट आपको दिखाया जाता है वो उस पर इंडेक्स किया जाता है, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसकी मेमोरी में फीड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गूगल पे वाईफाई की फुल फॉर्म सर्च करते हो तो सबसे पहले ही आपको वायरलेस फिडेलिटी दिखाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक और वेबसाइट आ जाती है बायजूस की, जहाँ पर वो बोलता है कि वायरलेस फिडेलिटी एक मिसकंसेप्शन है, और वो पूरी स्टोरी आपको बताता है। दो अलग अलग सर्च रिजल्ट आपको मिले। अब यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि गूगल एक ही सवाल के अलग अलग जवाब दे रहा है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा जवाब सही है? क्योंकि गूगल पर दिखने वाली हर इन्फॉर्मेशन सही नहीं होती है। पर अगर ऐसा है तो हमारी क्यूरियोसिटी का, हमारे हर एक प्रश्नों का उत्तर जो हम गूगल से मांगते आ रहे हैं आज तक, वो अब किससे मांगेंगे? क्या इसके ऊपर भी कोई सुप्रीम कोर्ट है जिसके पास जाया जा सकता है ये पूछने के लिए कि गूगल बाबा सच बोल रहे हैं या झूठ? आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आप उन 5% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाओगे जो गूगल सर्च इंजन को सही तरीके से यूज करना जानते हैं। नमस्ते मित्रों, वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल टेक कोच तनुजा। लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। गूगल से मुझे ढूंढनी है रिलेटेड वेबसाइट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि मुझे कैनवा जैसी और वेबसाइट्स भी मिले, तो मैं टाइप करूँगी रिलेटेड सेमीकॉलन और उसके बाद canva.com, और यहाँ पर मेरे पास लिस्ट आ जाएगी पूरी की पूरी की और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं कैनवा के अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग की। गूगल पर मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और मैं चाहती हूँ कि कुछ स्पेसिफिक ब्रांड है वो मुझे ना दिखाई दे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिखती हूँ बेस्ट स्मार्ट टीवी इन इंडिया 2024, और इस पर मैं चाहती हूँ कि LG का जो ब्रांड है वो मुझे नहीं दिखना चाहिए, इसके अलावा सारे ब्रांड चलेंगे, तो मैं यहाँ पर माइनस और LG लिख दूंगी। उसके बाद मुझे LG के अलावा सारे स्मार्ट टीवी के ब्रांड दिखेंगे। और इसी की जगह अगर मैं चाहती हूँ कि LG का जो ब्रांड है वो ज़रूर होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, LG को मैं कोट के अंदर लिख दूंगी, अब ये मुझे LG ज़रूर दिखाएगा। नेक्स्ट ट्रिक जो हमारी है वो SEO के काम भी आता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं गूगल सर्च पर लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और मैं ढूंढ रही हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड लोग और क्या क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग से पहले और क्या क्या चीज़ें ढूंढ रहे हैं। तो मैं अपना कर्सर आगे लेके जाऊंगी, यहाँ पर अंडरस्कोर डाल दूंगी, उसके बाद स्पेस, तो मुझे वो सारे कीवर्ड्स दिख जाएंगे कि लोग डिजिटल मार्केटिंग के आगे क्या क्या चीज़ें ढूंढ रहे हैं। और यहीं पर अगर मैं इसी अंडरस्कोर को इन दोनों के बीच में लगाती हूँ तो इन दोनों के बीच में लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं वो मुझे पता लग जाएगी। मुझे करनी है शॉपिंग, और शॉपिंग मुझे करनी है आजियो वेबसाइट से, तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ साइट semicolon jio.com और ब्रैकेट के अंदर ड्रेसेस लिख देती हूँ, तो अब ajio.com के लिए जितनी भी ड्रेसेस हैं वो सारी मुझे एक साथ मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे मिंत्रा पसंद है, मैं चाहती हूँ कि मुझे मिंत्रा जैसी वेबसाइट से कपड़े चाहिए, तो मैं यहाँ पर साइट semicolon mintra.com लिखूंगी, ब्रैकेट के अंदर जो नीड है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हील्स चाहिए तो मैं हील्स लिख दूंगी, इसके बाद मेरे पास सारी लिस्ट आ जाएगी हील्स की मिंत्रा और मिंत्रा जैसी वेबसाइट से। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज़ है, कॉलेज स्टूडेंट या फिर स्कूल स्टूडेंट के लिए। आप कुछ रिसर्च पेपर ढूंढ रहे हैं, गूगल पे जाकर आपको लिखना है scholar.google.com, और अब यहाँ पे आप जो कुछ भी टाइप करोगे आपके पास सारे रिसर्च पेपर आ जाएंगे, और यहाँ से आप इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हो कि आपको कितने साल पुराना रिसर्च पेपर चाहिए, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, अपने अकॉर्डिंगली आप इसको फिल्टर कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं कोई चीज़ ढूंढ रही हूँ PDF फाइल में, मुझे पर्टिकुलर टॉपिक पर PDF चाहिए, तो मैं गूगल पर जाके लिखूंगी फाइल टाइप semicolon PDF और वो टॉपिक जिस टॉपिक पर मुझे PDF चाहिए, फॉर एग्जाम्पल वेब डेवलपमेंट, तो अब वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने PDFs हैं मेरे पास सारे आ जाएंगे, और सारे जितनी भी लिस्ट मेरे पास आएगी वो सिर्फ और सिर्फ
पीडीएफ्स की ही आएगी। ऐसे ही अगर मुझे पीडीएफ की जगह पीपीटी चाहिए तो मैं पीडीएफ को एडिट करके पीपीटी लिख दूंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करना, बिकॉज ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। तो अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, अगर ऐसी और सीरीज चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब मैं आपको मिलूंगी अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।